हेलो स्टूडेंट्स, आज तक आपने ये जो पाठ पढ़ा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका मीनिंग समझने की कोशिश की है क्या? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्या है और इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है। यह पाठ फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसमें उनके भीतर मानवीय करुणा दिखाई देती है। लेखक को क्या दिखाई देता है? मानवीय करुणा दिखाई देती है और उन्हीं के इसी व्यक्तित्व का चित्रण लेखक ने इस पाठ में किया है। कैसे थे फादर कामिल बुल्के, सबसे पहले ये जानेंगे। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व, यदि हम उसकी बात करें तो उनका व्यक्तित्व जो भी उनसे मिल लेता था उनके हृदय पर उसकी छाप हो जाती थी। उनका रंग साफ था, उनकी दाढ़ी भूरी थी जिसमें सफ़ेदी की भी झलक दिखाई देती थी। उनकी आंखें नीली थीं और उनके चेहरे पर एक तेज था, एक चमक थी, एक प्रकाश था। और उसी प्रकाश को लेकर के, वो प्रकाश क्यों था? क्योंकि उनके भीतर मानवीय करुणा थी, मानवीय दया भावना थी, मानवीय संवेदनाएं विराजमान थी। इसलिए उनके चेहरे पर जो दिव्य चमक आती थी उसके बारे में लेखक इस पाठ में बात कर रहा है। उनके चेहरे पर जो तेज था, उसकी चमक थी, उनका व्यक्तित्व था, वही उन्हें भीड़ में सबसे अलग करके खड़ा कर देता था। पाठ लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने और ये फादर की स्मृतियों में लिखा गया है। उनका चरित्र चित्रण जो इन्होंने किया है पाठ में, वो इतना आसान नहीं था। फिर भी फादर के बारे में लेखक लिखते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो रैम्स चैपल में हुआ था। उनके परिवार में उनकी माता पिता, दो भाई और एक बहन थी। फादर जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उनका जब लास्ट ईयर था इंजीनियरिंग का, तो उनके मन में एक इच्छा आई कि वो सन्यासी बन जाएं। सन्यासी बन करके वो कहाँ आए? वो आए भारत में और उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बना लिया। कर्मभूमि बनाया यानी भारत में ही रह करके उन्होंने काम करने की सोच ली थी। उनकी शिक्षा जो हुई थी, इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष था और भारत में जब वो आए थे तो कलकत्ता से उन्होंने बीए भी किया था और इलाहाबाद से एमए, प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में शोध कार्य किया था, यानी सर्च का कार्य किया था, रिसर्च की थी उन्होंने। उनकी शोध का विषय क्या था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। बाहर से आकर के भारत में राम के बारे में जानने की इच्छा जो है उन्हें एक अलग व्यक्तित्व बनाती है। वो एक टीचर भी थे, अध्यापक भी थे। कहाँ थे? जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे। वहाँ पर उन्होंने अपना अंग्रेजी कोर्स लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही उन्होंने बाइबिल का अनुवाद भी किया है। अब आती है उनके शांत स्वभाव की बात। उनका स्वभाव बड़ा शांत था, कभी किसी ने भी उन्हें गुस्से में कभी भी नहीं देखा था। इसके कारण ही उनका व्यक्तित्व जो था हर किसी को प्रभावित कर देता था। साथ ही उनकी वाणी जो थी, यानी उनकी बोली जो थी, वो जो बोलते थे वो बहुत ही ओजस्वी थी। इतनी ओजस्वी थी कि कोई जो अंधेरे जीवन में जी रहा होता, यानी कोई बहुत दुखी होता, तो भी उसके जीवन में वो रोशनी ला देते थे। उनके विचार ऐसे होते थे जिन्हें कोई काट नहीं सकता था। बड़े भाई की भूमिका में वो नज़र आते थे, यानी जब किसी को भी ज़रूरत होती थी तो वो एज ए बिग ब्रदर जो हैं, बड़े भाई जो हैं, उसका वात्सल्य, प्रेम, प्यार सबको देते थे। और इस तरह से देते थे जैसे देवदार का पेड़ छाया देता है। जब हम कड़ी धूप में होते हैं तो देवदार का पेड़
जो होता है वो छाया देता है, बहुत घना होता है, और उसकी छाया पा करके जो हमारे मन को शांति मिलती है वही उनके सानिध्य में मिलती थी। फादर कामिल पुलके के सानिध्य में हमें वही शांति और वही प्रेम प्यार मिलता था जो जैसे किसी देवदार वृक्ष की छाया में मिलता है। परिमल में काम करते समय वहाँ का वातावरण एक परिवार की तरह था, जिसके बड़े सदस्य कौन था, फादर थे, और वे बड़े भाई की तरह सबको सुझाव और राय देते रहते थे। उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही मिलनसार थी। फादर किसी से भी एक बार भी अगर रिश्ता बना लेते थे तो उसे तोड़ते नहीं थे। जब भी वे दिल्ली आते तो सबसे मिलकर जाते, चाहे वो दो ही मिनट मिलो। अब देखिए उनका हिंदी प्रेम जो है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं बस 10 मिनट में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, इजीली आप लिख सकते हैं। हिंदी भाषा के प्रति उनका प्यार जो था वो अत्यधिक है। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि वो हमेशा चिंतित रहते थे। हिंदी भाषा के प्रति उनकी चिंता जो है स्पष्ट इसमें नज़र आती है। साथ ही वो झुंझलाहट भी थी कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं, यानी जो भारतवासी हैं वही लोग हिंदी की उपेक्षा करते हैं। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से विशेष प्यार था। लेकिन अब देखिए उनके जीवन का अंत जो है वह बहुत ही दुखदायी हुआ है। जब भी हम इस तरह के चरित्र चित्रण पढ़ते हैं तो